Wow. आपका बंगला तो बहुत अच्छा है राजेश, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ दिव्या, ये शानदार बंगला पापा का दिया हुआ है। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टीज, ये बंगला, सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ। दिव्या, मुझे जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब देखो ना, तुम भी मुझे कितनी आसानी से मिल गई। मैं हिल स्टेशन गया, तुमसे मुलाकात हुई, हमारा प्यार हुआ और हमने शादी कर ली, और अब मैं तुम्हें यहाँ ले आया। दुनिया में बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं, वरना लोगों को थोड़ी सी चीज पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें आप जैसा पति मिला। और तुम जैसी पत्नी भी तो किस्मत से मिलती है। अंदर चले। हाँ। कम आओ दिव्या। अरे छोटे मालिक, आप आ गए? हाँ रामू, मैं आ गया। रामू, इनसे मिलो, ये है मेरी पत्नी दिव्या। नमस्ते जी मालकिन। रामू, हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें अचानक शादी करनी पड़ी। शादी करती मैं यहाँ चलाया। ठीक किया छोटे मालिक आपने। आपको पता है, जब बड़े मालिक जिंदा थे ना, तो उनकी ख्वाहिश थी कि आपकी शादी हो जाए, आपका घर बस जाए। अब उनकी आत्मा कितनी खुश हो रही होगी कि उनकी बहु रानी घर आ गई। आइए छोटे मालिक, आइए मालकिन। कितना खूबसूरत है ये घर। अच्छा? हाँ। अच्छा लगा तुमको? ये कैसा लगा? I'll teach you. दिव्या, हम दोनों भी अजीब पति पत्नी हैं। हिल स्टेशन पर हनीमून बनाने जाते हैं, और एक हम लोग हैं जो हिल स्टेशन पर शादी करके यहाँ शहर में हनीमून बनाने आए। So stupid. तो क्या हुआ जान, जब आप जैसे प्यारे से पति का साथ हो, तब तो नर्क भी औरत पति की सेवा नहीं करती, उसकी इज्जत नहीं करती, वो सीधे नर्क में जाती है। अब ये नर्क और की बातें छोड़ो और मुझे सीधे स्वर्ग पहुँचा दो। क्या मतलब? मतलब ये दिव्या मैडम, कि मेरा स्वर्ग तो सिर्फ तुम हो। क्या कर रहे हैं आप? रामू का कहा गए तो छुरी नहीं छोड़ूंगा। छुरी ना, छुरी। दिव्या, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हम कोई चोरी कर रहे हैं। अरे यार, हमने तुमसे शादी की है, कहीं से भागा कर थोड़ी ना आया हूँ। शादी करके लाए वो तो ठीक है, मगर प्यार करने की भी कुछ दायरे होते हैं जनाब। ठीक है सरकार, तुम अभी रामू को ऊपर से बुलाकर उसके सामने प्यार। रामू, रोमांटिक सीन देखने तो जल्दी से। क्या कर रहे हैं आप? हेलो। हाय। आप? अरे अभी अभी तो आप ऑफिस गए थे ना, और फोन भी कर लिया। क्या करूं जाने मन, तुमसे एक पल भी जुदा होने के लिए ये कमबख्त दिल गवारा नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा तुम्हारी प्यारी प्यारी आवाज फोन पर ही सुन लूं। तुम्हारी सूरत तो मुझे फोन पर दिखा नहीं देगी, वरना वो भी देख लेता। हम आपको एक सजेशन देते हैं, आप हमें तावीज बनाकर गले में लटका लीजिए, फिर हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हे, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, हम वो भी कर लेंगे। आप जल्दी से एक फर्स्ट क्लास किस दे दीजिए हमें। बात शर्म नहीं आती आपको? जानू। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? आपने तो हमसे वादा किया था कि आप हफ्ता भर ऑफिस से छुट्टी लेंगे, हमें रोज बाहर घुमाने के लिए ले जाएंगे, डिनर खिलाएंगे, उसका क्या हुआ? अरे डार्लिंग, मैं ऑफिस से काम से थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करनी है, वो खत्म होते ही आई एम एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, लेकिन याद रखिए, अगर आप लेट आए तो हम आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ
हम अपनी दिव्या डार्लिंग को नाराज नहीं होने देंगे, प्यार से मना लेंगे, प्यार से मना लेंगे। हाँ हाँ, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके आप हमेशा हमें बेवकूफ बनाते हो। आपको अपना वादा याद है ना? हाँ भाई, हमें तो अपना वादा याद है कि आज शाम को हम लोग सही देखने जा रहे हैं। काफी थैंक यू। वाह, क्या कॉफी है। ठंडी है लेकिन मजेदार है। आई एम सॉरी दिव्या, तुम जानती हो मुझे कॉफी बहुत पसंद है। तुम्हें याद है जब पहली बार मैंने तुम्हारे हाथों से बनी कॉफी पी, मैं तुम्हारा आशिक हो गया था। अच्छा, तो सिर्फ कॉफी की वजह से जनाब हमारे आशिक हो? सिर्फ कॉफी नहीं, हम तो तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर फिदा हो गए थे। बस मैं गया और आया। हेलो। हेलो। हाँ जान, बोलिए। जानू, 6 से 9 की टिकट तो नहीं मिली, इसलिए हम लोग लाश हो जा रहे हैं। 6 से 9 की टिकट नहीं मिली या आप कोई बहाना बना रहे हैं? अरे नहीं स्वीटहार्ट, आपसे बहानेबाजी हरगिज नहीं। ठीक है, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम विश्वास है, इसलिए हम आपकी बात पे विश्वास कर लेते। कहिए क्या हुक्म है हमारे लिए? हुक्म लो कर लो बात। अरे सरकार, हम तो आपके गुलाम हैं। तो स्वीटहार्ट, ठीक 8:30 बजे हम तुम्हारा लिबर्टी थिएटर के बाहर वेट करेंगे। एंड आई वांट यू टू कम सून, आई एम मिसिंग यू हेल्प अ लॉट। ओके ओके, बाय। 12:50 टिकट ले रहा है, 12:50 क्या करके लोग भरे लगा है। 12:50 क्या है, सुन में लेना यार, पुलिस का लफड़ा चल रहा है। तू भी कैसा है? एक्सक्यूज मी, टाइम बताएंगे सर? 9:30। थैंक दिव्या, मैं तुमसे दिव्या क्या हुआ, कहां थी तुम? मैंने थिएटर पर तुम्हें इतना पुकारा लेकिन तुमने सुनी नहीं।
और वो कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? राजेश, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। वो तांत्रिक मुझे मार डालना चाहता था। तांत्रिक? हाँ, राजेश, ये वही तांत्रिक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से मेरे माँ बाप को मार डाला। मेरी आंखों के सामने से इसने मेरे भाइयों को भी मार डाला और हमारी सारी जमीन जायदाद को हड़प करके, और अब वो मुझे भी मारना चाहता है। राजेश, तुम्हारे खानदान से इसे ऐसी क्या दुश्मनी है? ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन दिव्या, इतनी देर तक तुम कहां थी? वो तांत्रिक मेरा पीछा कर रहा था। मैं कहीं जाकर झाड़ियों के पीछे छुप गई और वही झाड़ियों के आसपास मुझे तलाश करता रहा। जैसे मुझे मौका मिला मैं वहां से भाग गई। राजेश, हम लोग ये शहर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं प्लीज, वरना वो मुझे मार डालेगा। राजेश, रिलैक्स दिव्या, रिलैक्स। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर वो मुझे कहीं नजर आया तो मेरे हाथ से तो बचकर नहीं जा पाएगा। रामू काका, गाड़ी साफ कर दी आपने? जी मालकिन। ठीक है, कहाँ रह गई ये? चानू, क्या कर रहे हैं आप? जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है आपका। राजेश, क्या हुआ? क्यों वो मेरा पीछा कर रहा? राजेश, वो मुझे घूर घूर के देख रहा है। मुझे बचा राजेश, मुझे बचाओ। आओ देखो। यहां तो कोई नहीं है। क्या हो गया तुम्हें दिव्या? राजेश, मैं सच कह रही हूँ राजेश, वो अभी यही था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है राजेश, वो यही था। यहाँ तो कोई भी नहीं। अगर वो यहाँ होता तो इतनी जल्दी कहाँ चला जाता? दिव्या, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर वो मुझे कहीं नजर आया तो मेरे हाथ से तो बचकर नहीं जाता। मैं उस कमीने को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ओके?
तुम वही हो ना जो मेरी पत्नी का पीछा कर रहे हो? क्यों पड़े उसके पीछे? बाबूजी, मैं आपको आपकी पत्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो तुम? तुम मुझे गुमराह करके मेरी पत्नी को जान से मार डालना चाहते हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, मेरी बात का यकीन कीजिए। अगर आप मेरी बात पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे आप। आपने अपने घर में अपनी मौत को पनाह दे रखी है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। चलो पुलिस स्टेशन। क्या परेशानी है तुम्हारी? क्यों इसकी पत्नी के पीछे पड़े हो? इंस्पेक्टर, यह आदमी मेरी बीवी की जान का दुश्मन है और इसी ने उसके माँ बाप का भी खून किया है। झूठ कहती है वो, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं कातिल नहीं हूं। तुम क्या हो और क्या नहीं, ये तो तुम्हारी शक्ल और उलिये से पता चलता है। क्या करते हो तुम? मैं? आप लोग मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। अच्छा, विश्वास नहीं करेंगे हा? कोई नाम तो होगा ना तुम्हारा? भैरव, भैरव शंकर। कहाँ रहते हो? पंचमुंडी की पहाड़ी पर। पंचमुंडी की पहाड़ी पर। और इनकी पत्नी को कब से जानते हैं? कई वर्षों से, जब से उसने प्रेत का रूप धारण किया है। हवलदार, ये सतिया गया है, पागल हो गया ये। इसके ले जाके अवलात में बंद कर दो। मेरा विश्वास करो इंस्पेक्टर। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। डोंट वरी मिस्टर राजेश, आप जाइए, इससे तो मैं सारी सच्चाई उगलवा के रखूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बात है जॉन, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं तो, आज आप वो शंकर तांत्रिक से मिलने गए थे, क्या हुआ वहाँ? बेकार आदमी है वो, फालतू की बातें कर रहा था। फिर भी आपसे कुछ तो कहा होगा उसने? उल्टी सीधी बातें कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। अपना ऐप छुपाने के लिए खमखा की बकवास किए जा रहा था। आखिर कुछ तो मतलब होगा ना उसकी बात का? तुम फिक्र मत करो दिव्या, सब ठीक हो जाएगा। अब वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सबको सच सच यही बोलोगे या अदालत में? सच सच तुम्हें बताने से क्या फायदा, तुम तो कानून वाले हो ना, विश्वास नहीं करोगे। सच मैं उसके पति को बताऊंगा, उसे बुलाओ। तुम्हारी उम्र देखकर मैं टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकाल रहा हूं। अगर मैं अपनी असलियत पर आ गया ना, तो मेरी बात का विश्वास करो, मैं उसके पति को सब सच्चाई बता दूंगा। इसे पूरा खत्म करके आप यहां से हिलेंगे, समझे? ठीक है मैडम। इसे ले लूं? जाइए। हेलो। हेलो मिस्टर राजेश, मैं इंस्पेक्टर सैयद बोल रहा हूँ। एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए। वो आपसे कुछ बोलना चाहता है। वो मुझे क्या बताएगा? इंस्पेक्टर साहब,
आप भी किस घटिया आदमी की बातों में आ गए? हाँ हुजूर, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ आ जाइए, जरा सुन तो लें कि वो क्या बोलना चाहता है, प्लीज। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। बाबूजी, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, और उतना ही सच है जितना कि ये धरती और आकाश। बकवास करके वक्त जाया मत करो, जो कहना जल्दी कहो। इनकी पत्नी दिव्या एक प्रेत आत्मा है। अपनी जबान को लगाम दो भैरव। इंस्पेक्टर, ये कमीना मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहा है, न जाने किस क्या दुश्मन से दिया। नहीं, जो पाप की पुण्य से होती है। बाबूजी, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए, और उतना ही सच है जितना कि यह धरती और आकाश। बकवास करके वक्त जाया मत करो, जो कहना जल्दी कहो। इनकी पत्नी दिव्या एक प्रेत आत्मा है। अपनी जबान को लगाम दो भैरव। इंस्पेक्टर, ये कमीना मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा रहा है, न जाने कि क्या दुश्मन से दिया। नहीं, जो पाप की पुण्य से होती है, जो सच की झूठ से होती है, जो प्रेम की खड़खड़ा से होती है। मैं एक तांत्रिक हूं, दिव्या एक प्रेत आत्मा। ये उस वक्त की बात है जब हम गांव में रहा करते थे। दिव्या रोज रात अपना शिकार ढूंढने निकल पड़ती थी। इंसान का खून उसकी खुराक बन गया था, और उस गांव के कई नौजवान उसके शिकार बन चुके थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे भस्म कर दूं, लेकिन अफसोस हमारा सामना कभी नहीं हुआ। एक रोज की बात है। क्या बात है, शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? बाबा, गांव के बाहर आज एक फिर लाश मिली है, और उसकी भी हालत पहले मिली लाशों की तरह है। बाबा, ये खून कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? लाश कहां पर है? उसी ने मारा है। किसने? क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो एक प्रेत आत्मा है। फिर आप उसका कोई इंतजाम क्यों नहीं करते? उसे भस्म करना इतना आसान नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो। तो इस तरह हम सब गांव वालों को खत्म कर देंगे, हम लोग क्या करें? उसे केवल अमावस के रोज हम अपने मंत्रों से समाप्त कर सकते हैं, या फिर उसे अग्नि में जलाकर खाक कर सकते हैं,
क्या तुम लोग उसे आग में चलाने के लिए तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। क्यों भाइयों? हम सब तैयार हैं। आओ मेरे साथ। समस्त दोषां हर हर निसर्पण। तेरा अंत निश्चित है। आज अमावस्या नहीं है तांत्रिक, आज तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आज अमावस्या नहीं है और मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तेरा दूसरा शत्रु है अग्नि। अग्नि तुझे भस्म कर सकती है और ये लोग अग्नि लेकर तुझे भस्म करने आए हैं। ये लोग मुझे क्या भस्म करेंगे? जब मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगी तो कोई नजर नहीं आएगा। आज तो अपना कोई रूप नहीं दिखा सकती, देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो, जलाओ इसे। मिस्टर राजेश, इनकी बकवास आप ही सुनिए, मेरे पास और जरूरी काम है। बाबूजी, इस वर्दी वाले के बहकावे में मत आइए, मेरी बात का यकीन कीजिए, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन कर लूं? जिस लड़की के साथ मैंने शादी की है, जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है, जो मेरे हर सुख दुख में है, और तुम कहते हो कि वो एक प्रेत आत्मा है? नहीं, हरगिज नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता। बाबूजी, आपका मेरा फैसला एक ही बात से हो सकता है, कि आप अपनी आंखों से खुद अपनी बीवी को उसके असली रूप में देखिए। हाँ, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से अपनी पत्नी को रूप बदलते नहीं देख लेता, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं आएगा। ये प्रेत आत्माएं सदा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के साथ किसी भी हाल में हो, किसी भी जगह पर हो, कुछ क्षण के लिए अपने असली रूप में जरूर आती हैं। अगर ये बात है तो आज शाम को सूरज डूबते वक्त मैं अपनी बीवी पर नजर रखूंगा।
लेकिन अगर तुम्हारी बातें गलत निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा फैसला एक ही बात से हो सकता है कि आप अपनी आंखों से खुद अपनी बीवी को उसके असली रूप में देखिए। राजेश तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इंस्पेक्टर भैरव बिल्कुल सही कहता था, मेरी बीवी इंसान नहीं एक प्रेत आत्मा है। मिस्टर राजेश यार तुम तो एक पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, तुम ऐसी बातों में कैसे यकीन करते हो?
भैरव शंकर ने क्या पट्टी पढ़ा दी है तुम्हें? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मेरी बातों का यकीन कीजिए। मैंने खुद अपनी पत्नी को रूप बदलते हुए देखा है। मैं भैरव से मिलना चाहता हूं अभी। अच्छा जाओ मिल लो। क्यों बाबूजी, मेरी बातों पे यकीन आ गया ना अपनी आंखों से देखकर? हाँ बाबा, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको उसी घर में रहना होगा। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया कि तुम्हें पता चल चुका है तो तुम्हें मार डालेगी। मिस्टर राजेश, तुम जो कुछ कह रहे हो सोच समझ के कह रहे हो? जी हाँ इंस्पेक्टर, मैं सोच समझ कर कह रहा हूं। भैरव शंकर को रिहा कर दीजिए, वो बेकसूर है। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूं। तुम जानते हो ना कि तुमने उस पर खून का इल्जाम लगाया? जी हाँ, ये मेरी गलतफहमी थी, दिल का गुबार था। भैरव शंकर एक शरीफ आदमी है, मैंने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उसे हवालत में बंद करवा दिया था। एक बात का ख्याल रखना, कल को अगर कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मुझे मंजूर है इंस्पेक्टर, अगर आप चाहें तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि भैरव शंकर की जिम्मेदारी अब मेरी है। ओके। अरे पांडे, भैरव को छोड़ दो। मिस्टर राजेश, अब भी वक्त है, एक बार सोच लो। अब और सोचने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। सच्चाई। क्या बात है, बहुत देर कर दी आपने। दिव्या, बस मैं यूं ही अपने काम में बिजी था। हाँ। क्या हुआ, बहुत डरे हुए नजर आ रहे हैं आप। किसी ने आपसे कुछ कहा या किसी ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं तो अगर दिव्या मुझे कोई कुछ कह दे या परेशान करे तो तुम क्या करोगे? ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करूं। बात है राजेश? हाँ? आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आपके कुछ न कुछ बात जरूर है। नहीं दिव्या, कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। हाँ?
बात है जानू? कुछ नहीं दिव्या, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। ओके
हेलो हेलो हाँ रोहित, मैं राजेश बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ बोल राजेश। यार रोहित, मुझे तुझसे एक जरूरी काम है। बस इतना समझ ले कि मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। यार तू जल्दी बॉम्बे आ जा, सिर्फ तू ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अरे यार ये बता प्रॉब्लम क्या है। यार तू आ तो जा, मैं तुझे अपनी प्रॉब्लम फोन पर नहीं बता सकता। और हाँ तू कल सुबह ही बॉम्बे आ जा। अच्छा ठीक है, कल मैं सुबह की फ्लाइट से पहुंच रहा हूँ। ओके थैंक्स रोहित, थैंक यू वेरी मच। तो कल सुबह यहाँ मिलते हैं। ओके बाय। यस नमस्ते भाभी जी। सॉरी हमने आपको पहचाना नहीं। जी मैं राजेश का दोस्त रोहित, अभी अभी पूना से आया हूँ। अच्छा अच्छा आइए ना अंदर प्लीज। थैंक यू। वैसे वो इस वक्त घर पे नहीं है, लेकिन अगर आपको बुलाया तो आते ही होंगे। बैठिए। थैंक यू। बाय द वे काम क्या था उनसे? कुछ नहीं, उसने मुझे फोन करके बुलाया है, कहा कि फौरन आ जाओ, मैं आ गया। ऐसी कौन सी बात हो गई जो उन्होंने आपको इतनी अर्जेंसी में बुलाया है? भाभी जी आजकल मुझे कुछ परेशान सा लगता है, किसी बात को लेकर डरा हुआ है। जब भी वो परेशान होता है ना मुझे ही बुलाता है, क्योंकि मैं एक ऐसा दोस्त हूँ जो आड़े वक्त पे उसके काम आया हूँ। जब कभी मुसीबत आई है ना मैंने उसे बचाया है। मेरा दोस्त रोहित है, ये मर कैसे गया? मैंने खुद इसे फोन करके पूना से बुलाया था। अगर आपने इसे फोन करके पूना से बुलाया था तो इसकी लाश यहां कैसे? किचन तो रोहित का है, लेकिन ये यहां कैसे आ गया? ये किचन तुम्हें तुम्हारे बंगले की लॉन में मिली? यस इंस्पेक्टर। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे दोस्त की थी? जी हां मुझे पूरा यकीन है कि रोहित मेरे घर आया था और मेरी बीवी ने उसका काम तमाम कर दिया। तुम्हारी बात सच है या झूठ ये जानने के लिए आज रात को मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। माफ करना इंस्पेक्टर, मैं अब उस घर में एक पल भी नहीं रह सकता, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। हाँ ठीक है, अगर तुम अपने घर पे नहीं आना चाहते तो मैं खुद तुम्हारे घर पे जाके जांच पड़ताल करूंगा। सच और झूठ का फैसला आज रात को ही हो जाएगा। मैडम आप रोहित को कब से जानती हैं? इंस्पेक्टर साहब हम किसी रोहित को नहीं जानते हैं, हम तो पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं। ओ आई सी, इसका मतलब है कि रोहित यहाँ पर नहीं आया था? जी नहीं, नहीं कोई रोहित यहाँ आया है और ना ही हमने किसी रोहित को देखा है। झूठ बोलती हैं आप, आप उसे जानती भी हैं और वो यहां आया भी था, क्योंकि उसका की चेन आपके कंपाउंड में मिला है।
इसका मतलब यह है कि वो यहां जरूर आया था। बल्कि मैं तो यह भी कह सकता हूं कि आप उसके कत्ल के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। आप घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सीधे सीधे कहिए ना कि आप ये कहना चाहते हैं कि रोहित के कत्ल में हमारा हाथ था। अगर मैं कहूं कि मैं यही कहना चाहता हूं तो? और हम ये कहें कि रोहित के कत्ल में हमारा ही हाथ था तो? तो मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर यहां से ले जाऊंगा। तुम क्या मुझे हथकड़ी लगाओगे इंस्पेक्टर? हथकड़ी इंसानों को लगाई जाती है, प्रेत आत्मा को नहीं। क्या मतलब? मैं एक प्रेत आत्मा हूं। मैं नहीं मानता कि तुम एक प्रेत आत्मा हो, और वैसे भी ऐसी बातें सिर्फ किताबों ही तक अच्छी लगती हैं। तुम्हारा पति और वो तांत्रिक भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक कानून वाला होकर ऐसी बातों पर यकीन कर लूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लो कि मैं क्या हूं। इंस्पेक्टर भी मारा गया, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, वरना वो प्रेत आत्मा मुझे भी मार डालेगी। नहीं बाबूजी, ऐसा गजब कभी मत करना। जहां इतने तो वहां से भाग जाएगी और हो सकता है आपकी हत्या भी कर दे। इसमें गंगा जल है और कल अमावस है, कल मैं उसका अंत करूंगा। इस गंगा जल को आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों पे छिड़क दीजिए, घर से भाग नहीं पाएगी। और ये प्रेत आत्माएं अमावस के रोज घर के भीतर नहीं रहना चाहती। आप घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं कल सुबह से पहले एक विशेष शस्त्र लेकर आपके घर पहुंच जाऊंगा। Thank you.
तू मेरे पास पहुंच ही गया। हाँ, मैंने तुझे भस्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू हर बार बच निकली। आज नहीं बचेगी। तांत्रिक, अच्छा यही होगा अगर तू यहां से चला जाए, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज अमावस है और तेरी मृत्यु का समय निश्चित है। राजेश बाबू, आपको इस चांडालिका से मुक्ति मिल गई, अब आप चैन से जीवन बिता सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने दिव्या से शादी की और उसका नतीजा आपने देख ही लिया। इसीलिए कहते हैं कि शादी में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है।